शुरू कर देंगे, समझा? नीच मत समझो, नीच मत समझो। तुम सोच रहे हो कि हम वर्दी में तो हम भी वर्दी में जूता निकाल कर मारेंगे। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ अनुराग। जी हाँ, जूता निकाल कर मारेंगे। दरअसल ये महिला सिपाही अपने प्रभारी को कह रही है, मामला छुट्टी का है, होली का वक्त है, सभी को छुट्टी चाहिए। महिला सिपाही भी छुट्टी मांग रही थी, लेकिन मामला बिगड़ गया। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं और तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्या कुछ हुआ नोक झोंक और उसके बाद मामला काफी बिगड़ गया। तो बिहार में जो दो पुलिस कर्मियों के बीच की हाथापाई का ये वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो कैमूर जिले के भभुआ का बताया जा रहा है। वीडियो में एक महिला होमगार्ड किसी बात को लेकर यातायात प्रभारी का कॉलर पकड़कर खींचते हुए दिखाई देती है। इस दौरान जो यातायात प्रभारी उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों में बकझक शुरू हो जाती है, नोकझोंक शुरू हो जाती है और नौबत गाली गलौज तक पहुंच जाती है। उसने महिला कर्मी का कहना है कि यातायात प्रभारी ने उसे थप्पड़ मारा है। दरअसल वो वीडियो में कहती नजर आ रही है और उसका उसने विरोध किया है। दरअसल वीडियो में महिला होमगार्ड यातायात प्रभारी को जूता निकालकर पीटने की बात करते हुए दिखाई देती है। वायरल वीडियो कुछ दिनों पुराना बताया जा रहा है और वायरल वीडियो पर संज्ञान लेने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। वायरल वीडियो में दिखने वाली जो महिला होमगार्ड है उसका नाम दीप शिखा बताया जा रहा है और जो ट्रैफिक इंचार्ज है विजयानंद पाठक, इनके बीच ये नोकझोंक हो रही है। वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बताएं कि जो वायरल वीडियो में जो महिला होमगार्ड की जवान है वो कहते हुए दिखाई दे रही है कि निकाल कर जूता मारना शुरू कर देंगे, समझे? नीच मत समझो, तुम सीधे रहो। सोच रहे हो कि तुम वर्दी में हो तो हम भी वर्दी में हैं, पब्लिक नहीं हूं। जो महिला होमगार्ड थप्पड़ मारने का आरोप लगाते हुए कहती है कि अभी इन्होंने थप्पड़ मारा है। थप्पड़ कैसे मार दिया? चलो एसपी साहब के पास। जो महिला की होमगार्ड जवान है वो जो यातायात प्रभारी है वो उनसे कह रही है कि चलो एसपी साहब के पास, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया। और महिला उससे भी आगे बढ़कर कह रही है कि निकाल कर जूता मारना शुरू कर देंगे, समझे? नीच मत समझो तुम। सोच रहे हो कि तुम वर्दी में हो तो हम भी वर्दी में हैं, यानी वर्दी वालों के बीच की ये लड़ाई जो है तूल पकड़ लिया इस लड़ाई ने। मामला वायरल हो गया, मामला एसपी साहब तक पहुंच ही गया। हालांकि महिला जो पुलिस कह रही थी कि चलो एसपी साहब के पास, वहीं पर फैसला होगा। तो ऐसे में जो विजयानंद पाठक जो प्रभारी है वहां के यातायात प्रभारी, उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है। थप्पड़ का तो वीडियो नहीं आया, लेकिन जिस तरह से महिला आरोप लगा रही है थप्पड़ मारने का, उस थप्पड़ मारने के आरोपों को उन्होंने पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई थप्पड़ नहीं मारा है और उनका कहना है कि होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान लापरवाही की शिकायत मिल रही थी और ये शिकायत जो है वो सही पाई गई थी और दीप शिखा ने छुट्टी मांगी थी। तो उन्होंने कहा था कि अभी एसपी साहब नहीं है तो ऐसे में छुट्टी नहीं दे सकते और इसी बात पर वो झगड़ बैठी। मामला बिगड़ गया है और अब इस वायरल वीडियो पर जिस तरह से जो महिला होमगार्ड की जवान है वो गंभीर आरोप लगा रही है अपने यातायात प्रभारी पर। हालांकि यातायात जो प्रभारी हैं विजयानंद पाठक, वो इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो है और वीडियो झूठ नहीं बोलता, तो देख लीजिए ये वीडियो है और अब एसपी साहब ने इस पर संज्ञान लिया है। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना लाजमी होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।